नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग के पदाधिकारियों का ऐलान हुआ और साथ ही शुरू हुई खींचतान। जी हां, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष पद की कमान प्रसिद्ध समाज सेविका और बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बबीता चौहान को दे दी गई है। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव को बनाया गया है उपाध्यक्ष, जिसको लेकर अपर्णा यादव की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। इस दौरान वो सपा महासचिव और अपने ससुर शिवपाल सिंह यादव से भी मिली और फिर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई। उसके बाद अपर्णा यादव ने अब बतौर उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर अपना पद संभाल लिया है। अपर्णा यादव ने पद संभालते ही करीब एक सप्ताह से चली आ रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। अपर्णा यादव जब बुधवार को उपाध्यक्ष का पद संभाल रही थी तो उस वक्त उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद रही। इस दौरान दोनों ने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोई नाराजगी नहीं थी, बस राधा अष्टमी जैसे पवित्र दिन को पद संभालने के लिए उन्होंने बचा के रखा था। इस दौरान सी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा कि महिला आयोग में बेहतर काम करते हुए अब महिलाओं को मजबूत बनाना है। आधी आबादी की जिम्मेदारी मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण है, यानी कि अपर्णा यादव ने साफ कर दिया है कि कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो राधा अष्टमी जैसे पावन दिन का इंतजार कर रही थी अपने पदभार को संभालने के लिए। उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, और भी संस्था हो सकती हैं, बी अवेयर के माध्यम से लगातार मैं काम करती आई, तो मुझे लगता है कि आप जो है आयोग की प्रतिबद्धता है, इसके कुछ लीगल पैराफिनेलिया है, कुछ जो है लीगल लॉज है, उसके तहत मैं कितना जो है बेहतर कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए उनकी आवाज़ बनने का काम कर सकती हूँ, उनके उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जोड़ने का काम कर सकती हूँ, और राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसका ये एक अंग है, महिला आयोग उत्तर प्रदेश का जैसे सारी स्टेट्स में होता है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर, काफ़ी सारे सदस्य बनाए गए हैं, उसमें अध्यक्ष भी हैं, दो उपाध्यक्ष हैं, तो ये एक जिम्मेदारी बड़ी है और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ कि जो है निष्पक्ष रूप से आप लोग जो है बात लिखें, कहें, दिखाएं, और जो है मैं यही कहूँगी कि स्वतंत्रता के लिए जब जो है लड़ाई हुई थी तब भी प्रेस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भाई जब बात ही नहीं सामने आती है। अब जो आएगा उसका स्वागत है। जो टोल फ्री नंबर है या जो नंबर है महिला आयोग के, हाँ। वो काम नहीं कर रहे हैं, उन पर गलती जाती है, कोई बताता नहीं। अब दो साल से तो खाली था, सारे पद रिक्त थे, अब भरे हैं, तो प्राथमिकता में क्या होने वाला है? प्राथमिकता में महिलाओं के लिए ही काम होगा, हम सब लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के जितने भी आयोग के अपने लीगल फ्रेमवर्क बनेगा, बस दो मुझे उठाती है, एक सवाल जरूर रहेगा, महिलाओं तक पहुँच कैसे होने वाली है? बिल्कुल पहुंच होगी, आयोग इसीलिए बना है कि महिलाओं तक पहुंचा जा सके। लखनऊ से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।